नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। राज्य में बारिश और बाढ़ के कारण हालात बदतर हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ के कारण 13 तटबंध टूट गए हैं और 64 सड़कें एवं कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। असम के बजाली, बक्सा, बरपेटा, विश्वनाथ, बंगाईगांव, सिरांग, दरंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, धुबरी, डीमा हसाओ, ग्वालपारा, होजाई, कामरूप और कामरूप मेट्रोपॉलिटन समेत 25 जिलों में बाढ़ से 11 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। असम में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ अब जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 25 जिलों के 11.09 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के कई इलाकों में मानस, पागलादिया, पुथीमाड़ी, कोपिली, गौड़ांग और ब्रह्मपुत्र नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं असम के नलबारी जिले में बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक में भर गया है। इसके कारण भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला रेल यातायात प्रभावित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुताबिक 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 4 ट्रेन आंशिक रूप से रद्द की गई है। साथ ही 7 रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। गुवाहाटी में इस महीने अब तक 385.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि जून के महीने में गुवाहाटी में औसतन 174 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बार गुवाहाटी में 121% अधिक बारिश हुई है। बाढ़ के चलते प्रभावित जिलों की 19,782.80 हेक्टेयर फसल जमीन जलमग्न हो गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 72 राजस्व मंडलों के अंतर्गत आने वाले 1,510 गांवों में पानी के भीतर है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते शुक्रवार को कामरूप महानगर जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि असम के रंगिया डिवीजन के नलबारी और घोगरा पार के बीच जल जमाव के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनों की सेवाओं रद्द और कुछ को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को बाढ़ के पानी ने मझोरचुआ क्षेत्र में कलाई गांव उदालगुड़ी को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया और कलाई गांव क्षेत्र के कम से कम 10 गांव जलमग्न हो गए थे। मई में राज्य के कई जिलों में भारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद असम एक बार फिर लगातार बारिश की चपेट में है। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ साथ करीमगंज जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को हुई बारिश के साथ ही राज्य का डीमा हसाओ जिला बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। इस बीच तामुलपुर जिले में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब जाने से 7,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही नियमित बारिश के कारण बोरोलिया, पगलादिया और मोटोंगा नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। तामुलपुर में कई नदियों के बाढ़ के पानी ने केकेरी कुची, द्वारकुची और बोडोलैंड चौक सहित कई गांवों को जलमग्न कर दिया है और सड़कों के साथ क्षेत्र में 1,000 बीघा फसल क्षेत्र जलमग्न है। आलम यह है कि असम में सिर्फ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण राहत शिविरों में महज 24 घंटे में 55% संख्या बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज स्टीफन नेरो ने दृष्टिबाधित वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। नेरो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 गेंदों पर नाबाद 309 रन बनाए, जो विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1998 में दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के मसूद जान के नाम सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड था। तब मसूद ने नाबाद 262 रन की पारी खेली थी।
स्टीफन नेरो के वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 541 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 269 रनों से हरा दिया। नेरो ने अपने इस धमाकेदार पारी में 49 चौके और एक छक्का लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ नेरो का ये लगातार तीसरा शतक है। ब्रिस्बेन में खेले गए इस मुकाबले में जीत के बाद स्टीफन नेरो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलना खुद का एक सपना होता है। ऐसे में देश के लिए शतक बनाना उन यादों में से एक है जो आप जिंदगी भर संजो कर रखना चाहेंगे। इस मैच के दौरान नेरो ने सीरीज का अपना पहला छक्का लगाया। स्टीफन नेरो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में तीसरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सातवें खिलाड़ी हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। कदम का धीरे धीरे असर दिखाई दे रहा है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिलती नजर आ रही है। अब खाने के तेल के दामों में एक बार फिर गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता में से एक मदर डेयरी ने खाद्य तेल की कीमतों में 15 रुपए लीटर तक की कमी की है। मदर डेयरी की तरफ से कहा गया कि दुनिया भर के बाजारों में खाने के तेल के दाम नीचे आए हैं, इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। कंपनी अपने खाद्य तेलों को धारा ब्रांड के तहत बेचती है। धारा सरसों तेल की कीमत 208 रुपए से घटाकर 193 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अलावा धारा रिफाइंड सूरजमुखी तेल पहले के 235 रुपए प्रति लीटर से अब 220 रुपए में बेचा जाएगा। धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत 209 रुपए से घटकर 194 रुपए हो जाएगी। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा कि धारा खाद्य तेलों की अधिकतम खुदरा कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की जा रही है। कीमतों में ये कमी हाल में सरकार की पहल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रभाव कम होने और सूरजमुखी तेल की उपलब्धता बढ़ने की वजह से हुई है। नए एमआरपी के साथ धारा खाद्य तेल अगले सप्ताह तक बाजार में पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च दरों के कारण पिछले एक साल से खाद्य तेल की कीमतें बहुत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
इंसान चाहे तो किसी भी परिस्थिति में खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ओपनर स्टीफन नेरो का ही उदाहरण ले लीजिए। दरअसल नेरो ऑस्ट्रेलिया की दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के ओपनर है। नेरो ने दृष्टिहीन होने के बावजूद वो कर दिखाया है जिसे आज तक कोई नहीं कर सकता। उनके इस कारनामे ने खेल जगत को हैरान कर दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर स्टीफन नेरो ने एक दृष्टिहीन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस मैच में उन्होंने नाबाद 13 शतक जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज स्टीफन नेरो ने दृष्टिबाधित वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। नेरो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 गेंदों पर नाबाद 309 रन बनाए, जो विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1998 में दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के मसूद जान के नाम सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड था। तब मसूद ने नाबाद 262 रन की पारी खेली थी। स्टीफन नेरो के वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 541 रन का विशाल स्कोर बनाया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 269 रनों से हरा दिया। नेरो ने अपने इस धमाकेदार पारी में 49 चौके और 1 छक्का लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ नेरो का ये लगातार 3रा शतक है। ब्रिस्बेन में खेले गए इस मुकाबले में जीत के बाद स्टीफन नेरो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलना खुद का एक सपना होता है। ऐसे में देश के लिए शतक बनाना उन यादों में से एक है जो आप जिंदगी भर संजो कर रखना चाहेंगे। इस मैच के दौरान नेरो ने सीरीज का अपना पहला छक्का लगाया। स्टीफन नेरो क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 3रा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के 7वें खिलाड़ी हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।